अरे भैया, ये प्रभास का जादू है, सर चढ़कर तो बोलेगा ही। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। अगर इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों की बात करें दोस्तों, तो साहो इस लिस्ट में आती है। और रीसेंट तौर पे जिस तरीके से ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म को नकार दिया था, वहीं जनता ने इस फिल्म को सर आँखों पर बिठा दिया। आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में दोस्तों कि किस तरीके से साहो से जुड़े हुए जो प्रोड्यूसर हैं वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो है मुंह तोड़ जवाब दे दिया ऑडियंस को और कह दिया कि देखो भाई, दिमाग होना चाहिए समझने के लिए। तो जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं शान जी ने जो है इस बात का खुलासा किया कि भाई साहो ऐसी वैसी फिल्म सोचिए मत आप, साहो को देखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्शन से भरी हुई है, ठीक है इसमें एडवेंचर है, ठीक है इसमें साहो है, मतलब कि प्रभास है, ठीक है इसमें श्रद्धा कपूर और प्रभास के बीच में लव केमिस्ट्री है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। ये फिल्म जो है चालू कमर्शियल फिल्मों की तरह नहीं है कि सीधे सीधे कोई स्टोरी दिखा दी, सीधे सीधे उसका कंक्लूजन बता दिया। नो, इट्स ऑल एंड ऑल घुमावदार फिल्म। और यही बात है ना दोस्तों, मुझे लगता है कि मेकर्स ने कहीं ना कहीं अपने प्रमोशंस के दौरान भी ये बात को प्रमोट किया था। जिस तरीके से इंसेप्शन थी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी हॉलीवुड फिल्म्स ले लीजिए, जिस तरीके से इंसेप्शन थी या इंटरस्टेलर ले लीजिए, तो ये फिल्में ना घुमावदार फिल्में थी जहाँ पर आपको इनको देखने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो साहो सेम वैसी है। यहाँ पर प्रोड्यूसर सर ने कहा कि भाई आप लोगों ने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि साहो जो एक्शन थ्रिलर है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसकी अपनी ही अलग स्टोरी है और उस स्टोरी को समझने के लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। भाई अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है, और जो जो लोग साहो फिल्म जिनको अच्छी लगी है उन्होंने यही कहा है कि हमने फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझा और अंडरस्टैंड करके हम फिल्म देख रहे थे इन स्पाइट ऑफ इंजॉइंग, राइट। सो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या है कहना, क्योंकि प्रोड्यूसर सर ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि जो साहू को नेगेटिव कमेंट दे रहे थे। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, मैं राहुल भोज इसी तरीके की दिलचस्प बातें आप लोगों को बताता रहूँगा।